गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फेस स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हम रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चन कम्प्लीट करने की कोशिश करूँगा मैं। और फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोगों से बोलूँगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए और बाकी सारे क्वेश्चन जो रहेंगे वो अच्छे हैं और एग्ज़ाम्स के लिए आपके महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड, 2-3 मिनट वेट करेंगे क्योंकि 10 बजे का टाइम है हमारा, 10 बजे का हो चुका है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। ठीक है, 1-2 मिनट वेट करेंगे, इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर दे दिया आप लोगों को। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स आते जाते हैं उन सभी से बोलूँगा भाई, इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। चलेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। और चलिए, पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी 1:30 पर। ठीक है, चलिए फ्रेंड, इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे सभी लोग, आंसर बताएंगे। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए, कमेंट करिए। चलिए फ्रेंड्स, हो सकता है शायद नोटिफिकेशन नहीं आया बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास। ठीक है, कुछ मिनट जो है वेट करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को आने दीजिए। चलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर दिए। पहला क्वेश्चन है, जन औषधि दिवस निम्नलिखित में से किस बार को या फिर किस दिन बनाया जाता है, आंसर दीजिए, कमेंट करिए। आपको डेट बतानी है, यहाँ पर 2019 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये बताना है जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, कहेगा 7 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, क्या बनाया, 7 मार्च को मनाया जाता है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछे जाए 3 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व सुनवाई दिवस भी इसको कहते हैं। ठीक है, 3 मार्च को, 4 मार्च को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को जो मनाया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस। ठीक है, ये सारे बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे फ्रेंड्स, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। चलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर दिए, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर है, आंसर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, प्रयागराज कुंभ मेला 2019 कब आयोजित किया गया, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करना है फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। इससे पहले जो कुंभ हुआ था वो हुआ था उज्जैन में। ठीक है, ओके, और अब हुआ है जो प्रयागराज में हुआ है। ठीक है, उसे अर्धकुंभ कहेंगे, प्रयागराज के जो कुंभ है। ठीक है, चलेंगे फ्रेंड्स, कमेंट करिए क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग बताएंगे भाई क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे और सभी लोग बताएंगे भाई क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, क्या रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर 15 जनवरी से लेकर 4 मार्च तक जो है वो मेला चला। ठीक है, बिल्कुल राज्य ऑप्शन 1 नहीं है, ऑप्शन 2 रहेगा। ठीक है, देखिए 15 जनवरी से लेकर 4 मार्च तक जो है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, जिसको हम क्या बोलते थे, इलाहाबाद। ठीक है, और किसके किस नदी पर, त्रिवेणी संगम इसे बोलते हैं, कुंभ मेला आयोजित हुआ। इसका बजट था 4200 करोड़। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन, मार्च 2019 में निम्नलिखित में से किन 2 देशों ने संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास संप्रीति नाम का जो है अभ्यास आयोजित किया। चलिए पहला देश भारत है, दूसरा देश बताइएगा क्या रहेगा। चलिए आंसर देंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे और सभी के लिए गुड मॉर्निंग। फ्रेंड, थोड़ा आज स्टूडेंट बहुत ही कम लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर फ्रेंड आपके पास नोटिफिकेशन आया है तो जल्दी से इस वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन आ गया, हमारी वीडियो जो होती है 10 बजे आ जाती है। चलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कमेंट करिए क्या रहने वाला इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे सभी लोग भाई, बताएंगे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, क्या रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा,
ये रहेगा भारत और बांग्लादेश, किसके साथ? भारत और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने एक नए जोन की स्थापना की घोषणा करी है, ठीक है, इस जोन रेलवे जोन का नाम क्या होगा? चलिए बंदा बताइएगा इस नए रेलवे जोन का नाम क्या रहेगा। आपको बताना, एक जोन जो है स्थापित किया जाएगा रेलवे के द्वारा, आपको ये बताना इस जोन का नाम क्या है। चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट को एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। अगर आरआरबी का एग्जाम देने वाले हैं आप तो बिल्कुल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। मुकेश जी ऑप्शन वन, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? सभी लोग आंसर बताएंगे भाई। थोड़ा सा जो है स्टूडेंट बहुत कमाए हुए हैं अभी, लेकिन सभी से बोलूंगा भाई, जितने भी स्टूडेंट्स आए उन सभी से बोलूंगा पूरी वीडियो अटेंड करिए। संजय जी ऑप्शन वन आ रहा है, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर दक्षिण तट रेलवे, ये रहेगा ऑप्शन नंबर फोर दक्षिण तट रेलवे रहेगा, कोलोमंडल रेलवे नहीं है, दक्षिण तट रेलवे है। ऑप्शन वन, ऑप्शन वन बोल रहे हैं लेकिन नहीं, ऑप्शन फोर इज अ करेक्ट आंसर। नहीं भाई सीमा जी, ऑप्शन फोर इज अ करेक्ट आंसर, दक्षिण तट रेलवे जोन इसका रखा जाएगा, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? चलिए आंसर दीजिए, सभी लोग कमेंट करेंगे भाई क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा देखिए हम वीडियो जो होती है हमारी 10 बजे जो है करेक्ट आ जाती है। ओके राज जी ऑप्शन वन, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए सभी लोग बताएंगे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, चलिए आंसर दीजिए। ओके राज जी ऑप्शन वन आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा, यहाँ पर आएगा अजीत कुमार मोहंती, क्या आएगा? अजीत कुमार मोहंती, राज जी ऑप्शन वन नहीं है, ऑप्शन सी सीमा जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलिए अगला क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 में, ठीक है, किसके जो किसके मतलब जे कौन फाउंडर कौन थे? ये थे आपके होमी जे भाभा, मुख्यालय सभी को पता है ये मुंबई महाराष्ट्र ट्रॉम्बे में है, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने, ग्रीन पीस दक्षिण पूर्व एशिया द्वारा शहरों के प्रदूषण की स्थिति पर दी गई रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सही है? चलेंगे आंसर देंगे कमेंट करेंगे भाई, चलिए सभी लोगों को आंसर कमेंट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, चलिए आंसर देंगे। चलिए सभी लोग आंसर बताएंगे भाई, ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे से लेट करता है। चलिए आंसर दीजिए कौन सा सही है, ग्रीन पीस दक्षिण पूर्व एशिया द्वारा जो है प्रदूषण से प्रदूषण की किस देश के शहर में कितनी प्रदूषण है, कितना ATP जो है वहाँ पर प्रदूषण हो गया, मतलब कितना लेवल तक प्रदूषण पहुँच गया? चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर फोर, ये सारे के सारे सही हैं। भारत में जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश हैं विश्व में, वो भारत में 20 प्रदूषित देशों में से देश आते हैं, ठीक है। गुरुग्राम विश्व का सबसे प्रदूषित देश हो चुका है 2019 का, ठीक है। बांग्लादेश विश्व का सबसे प्रदूषित देश है, ठीक है, ये मतलब शहर वाले बोलेंगे तो गुरुग्राम आएगा, और अगर बांग्लादेश वो अगर देश बोलेंगे देश पूछेंगे तो क्या आएगा? बांग्लादेश आएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस नदी पर किरु जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? चलेंगे आंसर कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर आंसर दीजिए कमेंट करिए भाई क्या रहेगा। थोड़ा बहुत स्लो चल रहा है आज, बहुत ही स्लो आंसर आ रहे हैं फ्रेंड, क्या बात है भाई। चलिए आंसर कमेंट करिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर जी, मुकेश जी राज जी और सीमा जी, चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे भाई। 5 स्टूडेंट देख रहे हैं मात्र, कोई किसी का भी आंसर नहीं आ रहा, क्या बात है भाई। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर क्या आएगा भाई? ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा, चिनाब आएगा। चिनाब नदी पर किरु जल विद्युत परियोजना जो है वो उसकी मंजूरी मिल चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन, 9 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया? चलिए आंसर दीजिए, मुगल सराय, मथुरा, ग्रेटर नोएडा या वाराणसी? चलिए कमेंट करेंगे फ्रेंड्स क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग आंसर बताएंगे भाई। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, चलिए आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। मुकेश जी ऑप्शन वन आ रहा है लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड, ये ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है पुरातत्व संस्थान का जो है उद्घाटन किया गया वो ग्रेटर नोएडा में किया गया, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने, 20 फरवरी 2019 को 14वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, चलिए कमेंट करिए क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए फ्रेंड्स आंसर दीजिएगा कमेंट करेंगे, सभी लोग बताएंगे भाई कमेंट कर क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्क्रीन पर चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए। ओके दीपू जी करनाल आ रहा है। ओके एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा, न्यू दिल्ली में करी गई। कहाँ पर करी गई? न्यू दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है भाई, किस देश के राष्ट्रपति मेमोरियल मैक्री ने भारत का दौरा किया? चलिए बताइए किस देश के जो राष्ट्रपति हैं मेमोरिया मेमोरियो क्या मेमो मै मैरिसियो क्या नाम है मेरोसियो मैक्री ने भारत का दौरा किया? ये किस देश के राष्ट्रपति? आंसर देना मैक्सिको, स्पेन, अर्जेंटीना या ब्राज़ील। गुड मॉर्निंग बिल्कुल सभी के लिए भाई, गुड मॉर्निंग मुकेश। ओके बिल्कुल पांडे जी, चलिए सभी के लिए गुड मॉर्निंग। मैक्सिको आ गया दीपू जी, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड अर्जेंटीना। क्या आएगा भाई? अर्जेंटीना आएगा। तो अर्जेंटीना क्या है? दक्षिण अमेरिका का देश है। इसकी राजधानी क्या है? वीनस आर्स है। राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मेरिसियो मैक्री। मुद्रा सभी को पता होना चाहिए भाई इसकी, मैक्सिको अर्जेंटीना पेसो इसे बोलते हैं, ठीक है। अगर यूएस की बात करें, यूएस एंड सेंट्रल अमेरिका की बात करें, ठीक है, मैक्सिको जो रहती है, मैक्सिको अमेरिका और मध्य अमेरिका के बीच का एक देश है, ठीक है। ओके कैपिटल की बात करें तो मैक्सिको सिटी रहेगी इसकी। ओके और ये राष्ट्रपति कौन है भैया मैक्सिको के? ये हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोरा, ठीक वो दूर, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा नाम है। करेंसी मैक्सिको की मैक्सिको पीसो है, ठीक है। और राजधानी देखिए इसकी क्या है? स्पेन की राजधानी क्या भैया? स्पेन के बारे में लिखा, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, ठीक है। इसके राष्ट्रपति कौन है? पेड्रो संचेंज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर टीम ने ईरानी ट्रॉफी जीती है? ईरानी ट्रॉफी 2019 जीत ली है, आंसर कमेंट करना है भाई। चलिए आंसर दीजिए, कौन सा क्रिकेट टीम है जिसने ईरानी ट्रॉफी 2019 जीती? आंसर दीजिए, कमेंट करिए। चलिए ऑप्शन डी आया, वेरी गुड। एनी वन डी तो देखिए, ओके चलिए डी बोल रहे हैं दीपू, चलिए देखेंगे बिल्कुल क्वेश्चन को, लेकिन एक से दोबारा से इस क्वेश्चन को रिव्यू करिएगा। पांडे ऑप्शन टू, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन आएगा फोर विदर्भ, क्या आएगा? ऑप्शन आएगा फोर विदर्भ आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। 2018-2019 ईरानी कप जो है वो 57वां सत्र था इसका, यह संस्करण बोलें, जिसे भारत ने प्रथम श्रेणी विकेट जो क्रिकेटर है प्रतियोगिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्या रहेगा? विदर्भ आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी दीपू जी, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूट्यूब का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता बाजार बन गया है? चलेंगे सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, ये बहुत अच्छा है एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, ये आपसे रिलेटेड करता है, मतलब कि आप जिस पर पढ़ रहे हैं, जिससे आपको हेल्प मिल रही है पढ़ने के लिए, तो फ्रेंड आपको इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। चलिए आंसर दीजिए, अमित जी ऑप्शन वन, दीपू जी इंडिया आ गया, मुकेश जी ऑप्शन इंडिया आ गया, वेरी गुड। चलिए कोई बताएगा इसके CEO कौन है, यूट्यूब के CEO कौन है? बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग, ओके गुड मॉर्निंग MD जी, बहुत बढ़िया। चलिए सागर जी ऑप्शन दीजिए, ओके इंडिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि योगेश जी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसके CEO कौन है, कोई बताएगा इसके CEO कौन है? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर वन, बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल सही है। अब यूट्यूब के बारे में बता दूं मैं आपको, देखिए यूट्यूब का स्थापना हुई थी 14 फरवरी 2005 को, इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में। CEO कौन है? सुशांत वंजकी, क्या है? सुशांत वंजकी, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश ने विश्व का पहला पूर्णतया 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया है? सुशांत वंजकी, बहुत बढ़िया दीपू जी, बहुत से आंसर हैं। चलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, आपको बताने विश्व का पहला फुली 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च कर दिया है। चलिए आंसर दीजिए, ओके अमित जी ऑप्शन वन, आगे सागर जी ऑप्शन थर्ड, मुकेश जी ऑप्शन वन, पांडे जी ऑप्शन सी, वेरी गुड। ओके साउथ कोरिया आ रहा है, यहाँ पर रहेगा, बिल्कुल सही, सी बिल्कुल। पांडे जी बहुत बढ़िया, सागर जी बहुत बढ़िया, यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, और पांडे जी बहुत सही। चलिए अगला क्वेश्चन, बिल्कुल योगेश जी, चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर, सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2019 किस देश ने जीता? यह एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्क्रीन पर आंसर दीजिए, देखते किसका आंसर से पहले आता, चलिए कमेंट करिएगा आंसर दीजिए। चलिए ऑप्शन पांडे जी सी, वेरी गुड। अमित जी ऑप्शन बी आ रहा है, बहुत अच्छे। चलेंगे सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए कमेंट करिए और आंसर दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बताइए आंसर दीजिएगा। ओके मलेशिया कैपिटल्स केबलुपर, बहुत बढ़िया, यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आएगा, लेकिन साउथ कोरिया ने हॉकी अजलान शाह जो है
हॉकी टूर्नामेंट 2019 का वो जीता साउथ कोरिया ने, ठीक है, किसने जीता? साउथ कोरिया। ये कौन सा नंबर का संस्करण था? ये था 28वां संस्करण था, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर रहेगा डी। चलेंगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने, कौन संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यूपीएससी के चेयरमैन कौन अपॉइंट कर गए हैं? चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे सभी लोग, बताएंगे भाई। चलिए फ्रेंड्स आंसर दीजिए, कमेंट करिए, यूपीएस के अभी, ओके ऑप्शन बी भी आ गया, बदले दीपू जी, एनी वन कोई और आंसर कमेंट करेगा भाई, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए फ्रेंड आंसर दीजिएगा, फ्रेंड वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर करेगा, ओके सक्सेना, ऑप्शन अरविंद सक्सेना, अरविंद सक्सेना बहुत बढ़िया ऑप्शन ये भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर रहेगा अरविंद सक्सेना, क्या रहेगा भाई? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दीपू जी बिल्कुल सही, अरविंद सक्सेना बिल्कुल सही रहेगा, बहुत सही। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, भारत किस देश को अनुदान के आधार पर लिथियम आयन बैटरी के साथ 250 ई रिक्शा की आपूर्ति कर रहा है? चलेंगे आंसर कमेंट करेंगे भाई, क्या रहने वाला है ये क्वेश्चन? थोड़ा सा मतलब रिलेटेड, मतलब आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, आ सकता है, लेकिन इसको मैंने ले लिया है क्योंकि या कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप इनको भी कर पाएं। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए, क्या रहेगा क्वेश्चन? फिक्सी नंबर सोमालिया, वेरी गुड, ओके कृष्णा जी, ऑप्शन सी आ रहा है, पांडे ऑप्शन वन आ रहा है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर वन, क्या रहेगा? सेनेगल, क्या रहेगा? सेनेगल रहेगा ऑप्शन वन, सोमालिया नहीं रहेगा, सेनेगल रहेगा, पांडे जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलिए अगला क्वेश्चन, खेलो भारत युवा खेल 2019 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? चलिए बताइए आंसर दीजिएगा, खेलो भारत युवा खेल 2019 का आयोजन कहां पर किया गया? चलेंगे सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, सेनेगल कैपिटल डाकर, ओके दीपू जी, ओके बहुत बढ़िया, चलिए पुणे आ रहा है, बहुत अच्छे दीपू जी, एनी वन को आंसर कमेंट करेगा, कृष्णा जी ऑप्शन वन आ रहा है, न्यू दिल्ली, एनी वन को आंसर कमेंट करेगा भाई, क्या आएगा? ओके पुणे आ रहा है, सीमा जी यहां पर आएगा पुणे, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, पांडे जी बहुत बढ़िया, दीपू जी बिल्कुल सही है, और यहाँ पर पांडे जी बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इनमें से कौन सा भारतीय बैंक नहीं है? ओके योगेश जी ऑप्शन सी था, चलिए अगला क्वेश्चन बताना है, इनमें से कौन सा भारतीय बैंक नहीं है? आपको आंसर देना है, कमेंट करना है, चलिए बताइएगा आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, आंसर दीजिए, ओके बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही, महाराष्ट्र, ओके ओके दीपू जी बहुत सही, फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकंड ओके यहाँ पर हरियाणा, और थर्ड दिल्ली, बहुत बढ़िया, पांडे जी ऑप्शन वन, योगेश जी ऑप्शन डी, कृष्णा जी ऑप्शन डी, लगभग सभी का डी आ रहा है, यहाँ पर रहेगा HSBC, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, HSBC बिल्कुल सही रहेगा, बहुत बढ़िया, यहाँ पर ऑप्शन रहेगा फोर्थ नंबर, ठीक है। अब चलिए आपके लिए एक जो है क्वेश्चन रहेंगे, आपको क्या करना है, एक्सिस बैंक, HDFC और ICICI बैंक, इन तीनों के क्या करना है, हेडक्वार्टर, CEO और इनकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी है, ठीक है, ये आज का थोड़ा सा आपके लिए थोड़ी सी काम रहेगा, ये करके रखिएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, मोनालिसा चित्र यानी कि मोनालिसा जो जो पेंटिंग है वो बहुत प्रसिद्ध है, सभी को बताएं, पर चित्रित की गया है, मतलब किस पर बनाई गई, आंसर देना है, कमेंट करना भाई, मोनालिसा की जो चित्र है वो किस चीज़ में बनाया, स्टोन पर, लकड़ी पर, पेपर पर या धातु पर? चलिए कमेंट करेंगे, ये बहुत फेमस पेंटिंग है, मिस्ट्री बोलेंगे, मिस्ट्री से भरी हुई है, ऑप्शन आएगा वन, वेरी गुड, योगेश जी बी आ रहा है, बहुत अच्छा, अमित जी ऑप्शन वन आ रहा है, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सही, बहुत सही, बढ़िया, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे भाई, क्या रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन रहेगा टू, ये लकड़ी पर बनाई गई है, किस पर बनाई गई, योगेश जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर रहेगा, लकड़ी पर बनाएगा मोनालिसा, जिसे ला जोकांडो ने जिसके नाम से भी जानते, किसको क्या नाम से भी जानते भी, अगर आया आपके एग्जाम में किसे ला जियोकोंडा के नाम से भी जाना जाते हैं, फ्रांसिस्को डेल गियोंडा की पत्नी थी, ठीक है, ये उनकी पत्नी थी। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय भारत में किस स्थान पर स्थित है? अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय भारत में किस स्थान पर, आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग, बताएंगे भाई क्या रहेगा? ओके पांडे वन, वेरी गुड दीपू जी, ओके ये नाम थोड़ा अजीब है, ठीक है, ये थोड़ा नाम अजीब है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए थोड़ा बहुत, बस थोड़ा एक आगे का और या फिर मिडिल याद कर लीजिए जो आपको इजी लगे, उसी से आपका एग्जाम का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अमित जी ऑप्शन बी बहुत बढ़िया, दीपू जी ओके, कृष्णा जी ऑप्शन डी आ रहा है, सीमा जी ऑप्शन बी, वेरी गुड, एनी वन को यहाँ कमेंट करेगा भाई, क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर? ओके कृष्णा जी डी आएगा यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, अमित जी, और सीमा जी रहेगा हैदराबाद, कहाँ पर भैया, कौन सा विश्वविद्यालय, अंग्रेजी और हिंदी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब थोड़े से अलग टाइप क्वेश्चन, ठीक है, भारत के पहले वॉइस रॉय कौन थे?
चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए पहले वाइस रॉय कौन थे भारत के, आंसर दीजिए। अंतिम नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, पहला वाइस रॉय पूछ रहा हूँ। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे। सभी लोग बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है। ओके ऑप्शन ए, वेरी गुड अमित जी। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई? ओके कोई, ओके यहाँ पर अलग अलग आंसर है, लेकिन आएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिन, ऑप्शन डी आएगा सीमा जी, वेरी गुड पांडे जी। बहुत सी आंसर है, क्या रहेगा? लॉर्ड कैनिन इज द फर्स्ट वायस राव ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, मानव के लिए क्या है? मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किसने किया था? चलिए हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक कथन दिया है। मानव के लिए एक अर्थ, एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किसने किया? चलेंगे आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर सी आ गया योगेश जी, वेरी गुड। एनी वन कोई और आंसर कमेंट करेगा भाई, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के बाद इसे शेयर जरूर करिएगा। ओके सीमा जी बी, अमित जी ऑप्शन बी, ओके राज जी ऑप्शन डी आ रहा है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। योगेश जी बहुत सही, बहुत बढ़िया, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर सी श्री नारायण गुरु, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया योगेश जी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संस्थापक कौन थे? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संस्थापक कौन थे? आंसर देना है, कमेंट करना भाई। चलिए आंसर दीजिए, चलिए आंसर दीजिए। ओके सैगर जी ऑप्शन बी बोल दिया, ओके यहाँ पर कृष्णा जी ऑप्शन बी, मुकेश जी ऑप्शन बी और दीपू जी ऑप्शन बी, सभी लोगों का बी आ रहा है ऑप्शन, तो बिल्कुल सही है, क्या रहेगा? आत्माराम पांडुरंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का ऑप्शन बी है भैया लगभग। ओके यहाँ पर डी आया था किसी लोग, ओके कोई बात नहीं है, आंसर रहेगा आत्माराम पांडुरंग, अनिश जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सीमा जी बिल्कुल सही। चलेंगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, सन 1920 में बम्बई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? चलेंगे सभी लोग बताएंगे भाई क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, चलिए सभी लोग बताएंगे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आंसर दीजिएगा। पिछले क्वेश्चन का आंसर, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। ओके चौथे का सी आ रहा है योगेश जी, बहुत अच्छे, चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पर पांडे जी ऑप्शन सी, कृष्णा जी ऑप्शन सी, लगभग सभी का सी आ रहा है, तो वेरी गुड ऑप्शन रहेगा सी, लाला लाजपत राय, क्या रहेगा? लाला लाजपत राय, बिल्कुल सही है राज जी, बहुत बढ़िया अनिश जी, बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, गुड मॉर्निंग, वेल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यहाँ पर जो है हमने कम 15 से 20 क्वेश्चन कर लिया, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके निम्न में से दक्षिणेश्वर के संत के रूप में कौन प्रसिद्ध है? चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, चलिए कमेंट करेंगे फ्रेंड्स। अभी लोग दीपू जी ऑप्शन वन, वेरी गुड। एनी वन कोई और आंसर कमेंट करेगा, क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए, चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का, बहुत अच्छा एग्जाम के लिए क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा। ऑप्शन क्या आ रहा भैया? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आ रहा है या लगभग ऑप्शन बी भी बहुत सारे लोगों का आ रहा है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्या रहेगा? रामकृष्ण परमहंस, क्या आएगा भैया? रामकृष्ण परमहंस, किसी का ऑप्शन डी आया नहीं। चलेंगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, मैडम वाल्कस्की, क्या वाल्कस्की एवं कर्नल ऑल काउंट, क्या ऑल काउंट ने 1875 में थियोसोफिकल, क्या थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर करी? चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए पांडे जी, ऑप्शन सी, वेरी गुड। एनीवन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई, क्या आएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए, सोसाइटी का नाम है थियोसोफिकल सोसाइटी, ओके मुकेश जी ऑप्शन सी, ओके ब्रिटेन, ब्रिटेन आ रहा है, ओके ऑप्शन योगेश जी को बना रहा है, अनिल जी ऑप्शन सी, कृष्णा जी ऑप्शन सी, लेकिन बी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अमेरिका में, यूएसए रहेगा, अमेरिका रहेगा, बिल्कुल सी ऑप्शन रहेगा अमेरिका भैया, अनिश जी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अमेरिका रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने, ओके अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके सामने, वह महिला क्रांतिकारी कौन थी जिसने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत, क्या दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर से उपाधि ग्रहण करते समय उसे गोली मार दी? चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग, चलिए आंसर दीजिए। शाकिर खान जी चलिए आंसर दीजिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, महिला क्रांतिकारी का नाम बताना है जिसने कलकत्ता विश्वविद्यालय से दीक्षांत समारोह में बंगाल गवर्नर के उपाधि जो है ग्रहण करी और उसे गोली मार दी।
ओके सागर जी ऑप्शन सी, पांडे जी ऑप्शन सी और डी आ गया है। यहाँ पर अनिल जी ऑप्शन वन बोल रहे हैं। अनिल जी वेरी गुड, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए वीना दास। क्या आएगा? वीना दास इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक घोषणा पत्र जिसे बम का दर्शन, क्या बोलेंगे? बम का दर्शन कहा जाता है। क्या बोलेंगे? बम का दर्शन कहा जाता है। निम्नलिखित संगठनों में से किसके द्वारा लाया गया? चलेंगे आंसर देंगे भाई। चलिए, एक घोषणा पत्र है जिसे बम का दर्शन कहा जाता है, आपको बताने इन संगठनों में से वह किसने लाया, किसके द्वारा लाया गया? चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए फ्रेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो देखिए गलत होंगे तभी हम कुछ नया सीख पाएंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि भाई हम जानबूझ के गलत कर रहे हैं, या तो हमें याद नहीं है इन क्वेश्चन को या फिर हमने पढ़े नहीं है, ठीक है? तो पढ़ लीजिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपको काम में आएंगे, ठीक है? ओके, अनिल जी ऑप्शन वन, मानवी ऑप्शन वन, दीपू जी वन और ओके पांडे ऑप्शन सी बोल रहे हैं। रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, HSRA, ठीक है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी के उपासकों की श्रृंखलाओं में से सर्वप्रथम उपवास किस दौरान किया गया था? चलेंगे सभी लोग बताएंगे भाई। चलिए आंसर दीजिए, क्या रहेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्क्रीन पर ऑप्शन बी आ रहा है, वेरी गुड। ओके, 8वीं का बी बोल रहे हैं योगी जी। क्वेश्चन नंबर 9 है इसका, बताइएगा। पांडे जी ऑप्शन सी, वेरी गुड। दीपू जी ऑप्शन ए, सागर जी ऑप्शन सी, सागर ओके और सखी ओके साकिर खान ऑप्शन वन और एमडी ओके एमडी ऑप्शन बोल बोल रहे हैं, ठीक है? ऑप्शन रहेगा यहाँ पर बी, वीजा करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है योगेश जी। अगर आपने 9th का भी दिया तो बिल्कुल सही है पांडे जी, बहुत बढ़िया। एमडी ऑप्शन बी, बिल्कुल योगेश जी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्या रहेगा? ये रहेगा अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल, बिल्कुल सही है। इसमें पहली बार जो है उपवास रखा था किसने? गांधी जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन, मान लीजिए बिल्कुल सही मुकेश जी, सही है। अगला क्वेश्चन, वही कृष्ट भारत, क्या है वह कृष्ट भारत नामक पत्र की स्थापना किसने करी? चलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, चलिए कमेंट करिए फ्रेंड, क्या रहेगा? चलिए सभी लोग बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्क्रीन पर है। थोड़ा सा जो आप लोगों को बोरिंग लग रहे होंगे पता है मुझे, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके पांडे ऑप्शन सी, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? दीपू जी ऑप्शन सी, बहुत अच्छे। यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, साकिर खान, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए क्या रहेगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलेंगे अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है भाई। भारत का प्रथम ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने करी? भारत का पहला ट्रेड यूनियन कांग्रेस किसने स्थापित करी? आंसर दिया भाई, जल्दी जल्दी बोलते लेकिन फ्रेंड स्टूडेंट्स के जो है एक जो क्वेश्चन है वो बहुत लेट लेट आ रहे हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। कुमार जी आपका स्वागत है, चलिए कुमार जी ओके वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा? यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर नवदीस। क्या आएगा भैया? नवदीस। इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, क्या रहेगा? इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का पहला क्रांतिकारी कार्य क्या था? चलेंगे ओके चलिए कुमार जी बोल रहे हैं, बोल लगता है। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, चलिए फ्रेंड्स आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे सभी लोग। ओके सीमा जी ऑप्शन डी, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई, क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर? ओके कुमार जी बी आ रहा है। ओके यहाँ पर ऑप्शन रहेगा बी इज करेक्ट आंसर, लाहौर में सांडर्स हत्याकांड, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन बी था पिछले का। चलिए इस क्वेश्चन का, सर्वोदय एवं बुनियादी शिक्षा संबंधी गांधी जी के विचार किससे प्रेरित थे? चलिए आंसर दीजिए, चलिए आंसर कमेंट करिए। पिछले का ऑप्शन बी था, इस क्वेश्चन का आंसर दिए 13 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। चलिए कुमार जी आंसर दीजिए, सागर जी ओके एमडी ओके ऑप्शन सी ओके सागर खान ऑप्शन ए 13 का, योगी जी ए ओके सभी लोगों का लगभग ए और बी डी आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर लेकिन आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जितेंद्र शर्मा जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल रहेगा। क्या रहेगा? रश्किन, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी जिस आश्रम को बनवाया उसका क्या नाम था? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने जिस आश्रम को बनवाया उसका नाम क्या है? चलेंगे सभी लोग बताएंगे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन इस एग्जाम में आ भी चुका है। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे भाई, क्या रहेगा? पांडे थर्ड, वेरी गुड। एनी वन ओके सागर जी ऑप्शन सी, मानवी ऑप्शन सी ओके योगेश जी ऑप्शन सी, यहाँ पर ऑप्शन डी भी आ रहा है। ओके यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फिनिक्स फॉर्म,
क्या रहेगा, फिनिक्स आज फॉर्म रहेगा, बिल्कुल सही ऑप्शन क्योंकि सी। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक योगदान के लिए किस किसान प्राण क्या किस किसान किसान प्रण प्राण की अवधि प्रदान की गई है। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए। सर्वाधिक योगदान के लिए किसे किसान प्राण, ये एक किसान प्राण मतलब उपाधि है ये, किसको दी गई, आंसर देना है, कमेंट करेंगे। साकिर खान, ओके बिल्कुल सही था फिनिक्स। चलिए आंसर दीजिए, जितेंद्र ऑप्शन सी आ गया इस क्वेश्चन का। ओके एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके यहाँ पर नीजिए ऑप्शन डी, कुमार जी ऑप्शन डी आ रहा है, साकिर जी ऑप्शन बी आ रहा है, यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्या रहेगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती को कहा जाता था भाई किसान प्राण, ठीक है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अनिल जी और कुमार विवेक जी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, लाल कुर्ती आंदोलन के प्रेरक थे, चलिए बताइए कौन रहेंगे, आंसर देना कमेंट करनी, इसके इंस्पायर्ड कौन थे, आंसर दीजिए कमेंट करेंगे भाई। ओके बिल्कुल अरुण जी बिल्कुल, चलिए गुड मॉर्निंग सभी के लिए। ओके अरुण जी ऑप्शन डी आ गया, वेरी गुड। एनी वन कौन कमेंट करेगा, अनिल जी ऑप्शन बी आ रहा है, पांडे जी ऑप्शन टू आ रहा है, यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर बी, ये सीमांत गांधी हैं। प्रेरणा कौन थे, प्रेरणाता कौन थे इससे, सीमांत गांधी थे, ठीक है। इसके नेता तो थे भाई, नेता कौन था, नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। इसके नेता की बात करें तो ये मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है। प्रेरणा की बात करें तो वो हैं सीमांत गांधी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, दांडी जहां गांधी जी ने अपना पद यात्रा को समाप्त किया, दांडी किस जनपद में स्थापित है। ये गुजरात में आती है, पहली बात तो बता दूं। अब आपको ये बताना है ये गुजरात के किस गांव में या किस किस इलाके में आती है, मतलब किसके आसपास है। चलिए आंसर दीजिए, दांडी जहाँ गांधी जी ने अपनी पदयात्रा समाप्त की है, दांडी की जनपद कहाँ पर है, आंसर देना। ऑप्शन दिलीप जी भी आ गया, जितेंद्र जी भी आ रहा है, अनिल जी भी आ रहा है, ललिता जी ऑप्शन मेहसान। ओके एनी वन को आंसर कमेंट करेगा भाई। अभी कुछ टाइम पहले ही नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो है दांडी नाम का स्मारक जो है इसकी स्थापना करी है, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, या का नवसारी। क्या रहेगा भैया, नवसारी रहेगा, मेहसान नहीं रहेगा, नवसारी इज द करेक्ट आंसर। ओके यहाँ पर रहेगा भैया मे सारी आंसर नहीं है, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सभी का भैया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। चलेंगे सभी लोग बताएंगे भाई कौन सा भारतीय था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया, आंसर देंगे सभी लोग, कमेंट करेंगे। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है। सपन पांडे जी ऑप्शन डी वेरी गुड, अंबेडकर बिल्कुल, दीपू जी ओके, कुमार जी ऑप्शन सी आ रहा है, सभी का ऑप्शन सी आ रहा है, यहाँ पर बता दूँ डी रहेगा, यानी कि तेज बहादुर सप्रू और यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर, दोनों के दोनों जो हैं तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। योगेश जी बिल्कुल सही है, जितेंद्र जी बिल्कुल सही, अनिल जी वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, नागा महिला नेता गेंडिनो लियो को रानी की उपाधि किसने दी। तो ये अलग सा क्वेश्चन है, गांधी जी सेकेंड में, ओके गांधी जी सेकंड में थे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा दीपू जी। चलेंगे एनी वन को आंसर कमेंट करेगा भाई क्या आना चाहिए, 19 का सी वेरी गुड अनिल जी। एनी वन को आंसर कमेंट करेगा भाई क्या आएगा इस क्वेश्चन का। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, ऑप्शन सी को ओके विवेक जी, ओके खान ऑप्शन सी बहुत बढ़िया, पांडे ऑप्शन सी, यहाँ पर लेकिन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर भाई। ललिता जी वेरी गुड, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, क्या रहेगा, जवाहरलाल नेहरू ने इनको और रानी की उपाधि दी, ठीक है बिल्कुल सही है। चलेंगे अगला क्वेश्चन, किसने यह विचार दिया था कि आईएनसी क्या है, आईएनसी बुलवाओ बुल ऐसे बुलबुलों के साथ खेल खेल रही है, ठीक है। आईएनसी जो है बुलबुलों के साथ खेल रही है, ये विचार जो है किसके साथ जो है। ओके ये अजीब सा क्वेश्चन है, मुझे भी थोड़ा सा अलग लगा, ठीक है चलिए आंसर दीजिए। ओके चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर 21 आंसर दीजिएगा, थैंक यू कुमार जी। चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है लेकिन मुझे इसको पढ़ना है भाई, इसको भी थोड़ा सा ये। ओके मानी ऑप्शन बी, ओके साकिर जी ऑप्शन बी वेरी गुड, ओके कोई बात नहीं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन रहेगा थर्ड। इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं मार्क कर लूँ भाई, ठीक है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा है ये मार्क कर लेते हैं, ठीक है इसको देखेंगे बाद में, ठीक है ऑप्शन रहेगा थर्ड, ये तिलक आएगा ऑप्शन, ठीक है इस क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे ये आपके सामने, ओके 1857 के विद्रोह के पश्चात कौन नेपाल भाग गया था। चलिए आंसर दिए, ओके कोई भी किसी के साथ खेल सकते, चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए भाई। 1857 के विद्रोह के पश्चात कौन जो है वो नेपाल भाग गया था, ऑप्शन है साकिर जी खान जी ऑप्शन सी वेरी गुड।
एनीवन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई क्या आएगा? ओके मानवी ऑप्शन सी आ गया, बहुत अच्छे, चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। ओके ललिता जी ऑप्शन ए आ रहा है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर। नाना साहब यहाँ पर आएगा, नाना साहब ऑप्शन नंबर टू। यहाँ पर तात्या टोपे नहीं आएगा भाई, तात्या टोपे नहीं भागे थे भाई, तात्या टोपे कहाँ पर आए थे? सुनिए मेरी बात, अगर आप तात्या टोपे बोल रहे हैं तो तात्या टोपे के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन हमारे पास में। देखिए बता दूं मैं आपको, मेरे से 3 किलोमीटर दूर, मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर तात्या टोपे जी की समाधि है, मात्र 3 किलोमीटर दूर है तात्या टोपे की समाधि है। और भारत की सबसे बड़ी जो इमारत है या कहें मूर्ति है वो तात्या टोपे की मेरे शहर में, ठीक है? ओके तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं रहेगा भाई, यहाँ पर रहेगा नाना साहब, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तद्वेद बोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? चलिए थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, लेकिन आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे सभी लोग बताएंगे भाई क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए, चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे क्या रहेगा। सॉरी, चलिए आंसर दीजिएगा, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर टू यानी कि देवेंद्र नाथ टैगोर। क्या आएगा? देवेंद्र नाथ टैगोर ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, टू इज़ द करेक्ट आंसर, डी करेक्ट आंसर रहेगा नीश जी। और यहाँ पर योगेश जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन, कुमार जी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? चलिए आंसर दीजिए, गांधी जी ने जो है किन से कौन सा धर्म जो है धर्म धार्मिक ग्रंथ है जिसको अपनी माता कहा, आंसर दीजिए, कमेंट करिए। चलिए फ्रेंड आंसर कमेंट करेंगे, योगेश जी ऑप्शन फोर एक बी ए, वेरी गुड। पांडे जी ए, कुमार जी ऑप्शन वन आ रहा है, ललिता जी ऑप्शन वन आ रहा है, ये आएगा ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। भगवत गीता को अपनी माता कहा, बहुत बढ़िया, चलिए बिल्कुल सही, 100% बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के समय वायसराय कौन थे? चलेंगे सभी लोग कमेंट करेंगे भाई क्या आएगा आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है कुमार जी, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के समय वाइस रॉय कौन थे? ऑप्शन ए सी आ गया, ऑप्शन वन भी आ रहा है जी, वेरी गुड। अमित जी ऑप्शन वन, योगेश जी वन, सभी लोगों का लगभग वन। ऑप्शन फोर ललिता जी का आ रहा है, यहाँ पर वन इज द करेक्ट आंसर, ये लॉर्ड लिथन लगो लिथन गो, ठीक है, लिथन गो, ठीक है, ये थोड़ा सा लॉर्ड लिथन गो इस समय समझ लिया। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। चलिए डिसीज के बारे में हमने पढ़ा था परसों, ठीक है, अगर परसों आपने वीडियो ली थी तो आई थिंक ये बहुत सारे क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। लेकिन मैं बता दूं आपको, ये परसों जब मेरी करीब थी मैम ने, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे आपने जो है मिस कर दिए, और जितने भी स्टूडेंट थे मैक्सिमम स्टूडेंट ने लगभग लगभग 60-70% स्टूडेंट ने गलत आंसर दी थी। तो आज उन क्वेश्चन को रिपीट करेंगे एक बार फिर से और वीडियो को हम पूरा करेंगे, ठीक है? तो फ्रेंड बने रहिएगा इस वीडियो के, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन हैंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलेंगे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, ये सारी स्लाइड्स हैं जो आपको बता रही है भाई कौन कौन से डिजीज कैसे कैसे होते हैं, वो हमने पहले ही पढ़ लिए थे। चलेंगे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है डिसीजों के बारे में। चलिए, एक जीवाणु रोग है, कौन सा रोग है जो जीवाणुओं से बैक्टीरिया से होता है? चलिए आंसर दिए कमेंट करेंगे, फंगस का, जीवाणु का, विषाणु का, सभी का हम आज जो है सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। नंद किशोर जी, सीमा जी ऑप्शन वन, अमित जी ऑप्शन फोर, वेरी गुड एनी वन। ओके बिल्कुल, दीपू जी आपने पढ़ लिया, मैं वही तो बोल रहा हूँ आपसे, अगर पढ़ लिया है तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, देखते हैं किस किस का आंसर आता है। मात्र 15 से 15 मिनट और लगेंगे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में, बहुत स्पीड से करेंगे। ये आएगा ऑप्शन नंबर वन, ये आएगा कुष्ठ रोग। क्या आएगा भैया? कुष्ठ रोग आएगा, ठीक है, माइक्रो बैक्टीरियम लेप्टी के कारण होता है। किस कारण? माइक्रो बैक्टीरियम लेप्टी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ओके, प्लेसेंटा के माध्यम से माँ में, माँ से बच्चे को हस्तांतरित एक बीमारी है, वह कौन सी बीमारी? आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। ओके, जर्मन खसरा, सिफिलिश, एड्स या उपरोक्त सभी? चलिए कमेंट करेंगे, आंसर देंगे सभी लोग, आंसर कमेंट करिए। फ्रेंड थोड़ा सा स्पीड में आंसर करिए, ललिता जी ऑप्शन थर्ड, साकिर जी ऑप्शन सी, वेरी गुड। ओके दीपू जी ऑप्शन वन बोल रहे हैं, ओके नंद जी ऑप्शन डी बोल रहे हैं, ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर, नंद जी वेरी गुड। नंद किशोर जी बहुत से आंसर था बिल्कुल, यहाँ पर अमित जी बिल्कुल, ओके यहाँ पर पांडे जी, ओके ललिता जी बिल्कुल सही, लगभग सभी का बिल्कुल सही है। ये ऑल ऑफ एवब जो रहते हैं वो प्लेसेंटा के माध्यम से माता माता से बच्चे में जा सकते हैं, हस्तांतरित होते हैं, हो सकते हैं मे बी, लेकिन इसके लिए अलग अलग दवाइयाँ आती हैं, वो चीज़ें रहती हैं अलग अलग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एड्स किससे फैलता है? चलिएगे आंसर कमेंट करेंगे, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचिए एग्जाम्स में नहीं आए, ये एग्जाम्स में कभी भी आते हैं।
ठीक है। अनिश जी ऑप्शन फोर, वेरी गुड अनिश जी ऑप्शन फोर, सभी फोर फोर फोर, बिल्कुल ये सारे के सारे बिल्कुल सही, ऑप्शन डी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलिए ललिता जी बिल्कुल सही, नंदकिशोर जी बहुत बढ़िया, चलिए योगेश जी बहुत सही। अगला क्वेश्चन, बड़ी माता और रेविस के कारण होती है, बड़ी माता और रेविस के कारण क्या होता है, आंसर दीजिए कमेंट करिए। चलिए आंसर देंगे, कमेंट करेंगे। ऑप्शन फोर का टू आ रहा है, वेरी गुड अमित जी, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई। और फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। रिपू जी डी, ओके साकली जी ऑप्शन ए बी, ओके सभी लोग अलग अलग आ रहा है भाई, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा है, बी करेक्ट है यहाँ पर। अनिश जी वेरी गुड, अमित जी बहुत सही, बिल्कुल सही, ओके आनंद जी बिल्कुल सही है, या योगेश जी बिल्कुल सही, ये रहेगा वायरस, ठीक है। पांडे जी बहुत बढ़िया, एड्स में मानव शरीर प्रणाली विफल हो जाती है, मानव की कौन सी जो प्रणाली है वो विफल हो जाती है, कौन सा ह्यूमन बॉडी सिस्टम है वो फेल हो जाता है एड्स में, चलिए आंसर दीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यह जो है टीवीओ में तो बहुत बार बताते हैं भाई, ठीक है, ओके योगेश जी बहुत बढ़िया, सभी लोगों का सी सी सी, इम्यून सिस्टम बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, इम्यून सिस्टम जो होता है वो बिगड़ जाता है, वो विफल होने लगता है, ठीक है बिल्कुल सही, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है, चलिए बताइए टाइफाइड बुखार जो होता है वो किसके कारण होता है, चलिए बताइए टाइफाइड फीवर इज अ कैज वाई, चलिए आंसर दीजिए कमेंट करेंगे। ओके दीपू जी ऑप्शन सी, वेरी गुड, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई, क्या आएगा क्वेश्चन, अनिल जी ऑप्शन सी, अमित जी ऑप्शन वन, ओके लगभग सभी का सी ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड। यहाँ पर निजी पांडे जी, योगेश जी, नंदकिशोर जी, अनिश जी बिल्कुल सही है भाई, क्या रहेगा यहाँ पर, सलमोनेला टाइफी, बिल्कुल सही। चलिए ललिता जी ऑप्शन सी था, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, डेंगू किसके कारण होता है, चलिए बताइए डेंगू किसके कारण होता है, आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे भाई, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, डेंगू किसके कारण होता है, तो यहाँ से कमेंट करें, ललिता जी ऑप्शन वन, ओके सी आ रहा है, नंदकिशोर जी ऑप्शन, नंदकिशोर जी ऑप्शन सी बिल्कुल सही, ऑप्शन सी करेक्ट है कभी, सीमा जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सागर जी ऑप्शन रहेगा, मादा एडीज के कारण, किसके कारण, मादा एडीज के कारण, फीमेल एडीज के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु के कारण होती है, कौन सी बीमारी होती है वो वायरस के कारण होती है, आंसर दीजिए कमेंट करिए, चार ऑप्शन है आपको, चलिए आंसर देंगे, ओके चलेंगे सभी लोग आंसर देंगे भाई, क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर नाइन है स्क्रीन पर। और फ्रेंड वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, क्योंकि शेयर होगा तो हमारी जो क्लास अच्छी ओके वर्ड बढ़ेगी और अच्छा अच्छा सा लगेगा भाई मुझे भी, ठीक है, चलिए कमेंट करिए। ओके आएगा ऑप्शन नंबर वन, ये रहेगा सर्दी जुकाम, ओके सर्दी जुकाम और गलसुआ जो होते हैं वो वायरस के कारण होते हैं, ठीक है, ऑप्शन वन करेक्ट है यहाँ पर, नंदकिशोर जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया नंदकिशोर जी। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर लिखे हैं कौन कौन से किस किस से होते हैं, गलसुआ किससे होता है, सर्दी जुकाम किससे होता है, ये सारी चीज़ें लिखी है तो आप इसे पढ़ लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, ये रहा आपके सामने, ओके चलिए, निम्नलिखित में से कौन प्लेग के कारण बनता है, प्लेग का कारण क्या है, चलिए आंसर दिए कमेंट करिए, चलिए आंसर देंगे और आंसर कमेंट करेंगे, प्लेग का कारण क्या है, चलेंगे आंसर देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर टेन है स्क्रीन पर, आंसर ऑप्शन नंदकिशोर जी वन, वेरी गुड, ओके अमित जी थर्ड आ गया, बहुत अच्छे, चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे भाई, ओके क्या आएगा, ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है, बिल्कुल टू करेक्ट है यहाँ पर, यस्रिनिया पेस्टिस, यस्रिनिया पेस्टिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन टू सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, डिप्थीरिया किसके कारण होता है, डिप्थीरिया किसके कारण होता है, आंसर दीजिए कमेंट करिए। फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मैटर करने वाले, विशाल कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है विशाल जी, अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, आंसर दीजिएगा विशाल जी, ऑप्शन थर्ड, अमित जी ऑप्शन टू, वेरी गुड, एनी वन को आंसर कमेंट करेगा भाई, क्या आएगा इस क्वेश्चन, अमित जी ऑप्शन टू, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यहाँ पर रहेगा सी, बिल्कुल विशाल जी बहुत बढ़िया, यहाँ पर सी, सागर कान जी बिल्कुल सही, जीवाणुओं का बैक्टीरिया के कारण, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, रोगजनक रोगाणु और बीमारियों का सही मिलान करना है, चलिए समय कमेंट करिए, चारों ऑप्शन को पढ़िएगा और आंसर दीजिए, कौन सा सही है इसमें से, ठीक है गलत तो तीन है लेकिन सही एक है, तो आंसर दीजिए कौन सा सही है, सभी लोग आंसर बताएंगे भाई, क्या रहेगा, अमित जी ऑप्शन टू सही है, ओके एनी वन कौन बताएगा इसको सही है, कौन सा सही भाई, पांडे जी ऑप्शन टू बोल रहे हैं, यहाँ पर दीपू जी सी बोल रहे हैं, लेता जी ऑप्शन टू बोल रहे हैं, यहाँ पर लगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, सी करेक्ट है दीपू जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सी करेक्ट है बिल्कुल सही। चलेंगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, सूक्ष्मजीव के कारण होने वाले रोगों को क्या कहा जाता है, आपको बतानी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो होते हैं वो कौन से डिजीज होते हैं, चलिए आंसर दिए, डिजीज विच आर द कॉजेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, चलिए आंसर दीजिए, ओके ऑप्शन बी, ओके आनंद किशोर जी बहुत बढ़िया, अमित जी ऑप्शन वन, विशाल जी ऑप्शन टू, योगेश जी ऑप्शन बी, सभी का ऑप्शन बी आ रहा है, ये बिल्कुल संक्रमक इन्फेक्शन बिल्कुल सही है, क्या रहेगा इन्फेक्शन रहेगा, विशाल जी बहुत बढ़िया, पांडे जी टू रहेगा, इन्फेक्शन रहेगा, ललिता जी टू रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वायरस से बने होते हैं, वायरस से क्या बना होता है, चलिए बताइए
वायरस किससे बने होते हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन कोट या फिर ऑल ऑफ। चलिए आंसर दीजिए, वायरस किससे बने होते हैं, आंसर दीजिए कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्क्रीन पर आंसर दीजिएगा। ओके पांडे जी 4, नंदकिशोर जी डी, ओके विशाल जी ऑप्शन 4 आ रहा है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन 4, बिल्कुल सही है भाई, तीनों के तीनों चीजों से वायरस बने होते हैं, बिल्कुल सही भाई, बहुत बढ़िया साकर जी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, संक्रमित रक्त से संक्रमण रोगों के फैलने का मुख्य कारण क्या है। चलेंगे आंसर देंगे भाई, क्या रहने वाला है क्वेश्चन का आंसर। और अभी कोई स्टूडेंट जो थे शायद विवेक कुमार नाम था उनका, वो बोल रहे थे जल्दी कराइए, अब फ्रेंड उनसे बोलूंगा मैं भाई क्वेश्चन का आंसर तो दीजिए, अभी बहुत देर से उनका आंसर नहीं दिखा, ठीक है आंसर दीजिए। ओके पांडे ऑप्शन 4, विशाल जी ऑप्शन 2, वेरी गुड, नंदकिशोर जी ऑप्शन डी, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि यहाँ पर ए और बी दोनों करेक्ट हैं, एड्स और हेपेटाइटिस बी, बिल्कुल सही, संक्रमित रोग हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके सागर जी आपने पढ़ा नहीं था, ओके अरे देखिए तभी तो बोलते हैं भाई डेली आएंगे तो इस इन क्वेश्चन को डेली पढ़ पाएंगे, इस क्वेश्चन को तो हम सिर्फ रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इसी रिपीट इसलिए कर रहे हैं भाई उस दिन क्या था मैक्सिमम लोगों के गलत आंसर आए थे, ठीक है आज मैं देख रहा हूँ कई लोगों के गलत भी आ रहे हैं, कोई बात नहीं लेकिन हो सकता है उन स्टूडेंट ने जो है इसको नहीं लिया। ओके नाम नहीं लेते तो मन नहीं लगता, कुमार विवेक जी, विवेक जी देखिए नाम तब लेंगे नहीं, आप आंसर कमेंट करेंगे। ओके जीवाणु होते हैं, जीवाणु क्या होते हैं भैया, चलिए आंसर दीजिए कमेंट करेंगे। नंद किशोर जी, दीपक जी बहुत बढ़िया, एनी वन को आंसर कमेंट करेगा। ओके दीपू जी आपके लिए देखिए बताऊँ, बहुत सारे स्टूडेंट जो हरियाणा के लिए बोल रहे हैं मुझे, लेकिन पहले हम हरियाणा का जो है कहाँ से स्टार्ट करें मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा, या फिर मैं मिसलेनियस क्वेश्चन लूंगा उनके, यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, यहाँ पर रहेगा एकाकिक कोशी यानी कि अनसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बहुत बढ़िया ऑप्शन थर्ड, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, धागे जैसी संरचना जो बैक्टीरिया को स्थानांतरित करने में मदद करती है उसे हम क्या कहा जाता है। चलिए आंसर देंगे सभी लोग कमेंट करेंगे भाई, चलिए विवेक जी, विशाल जी, दीपक जी, साकिर खान जी, दीपू जी चलिए आंसर दीजिए, पांडे जी चलिए आंसर दीजिए, अनिल जी आंसर दीजिए, बहुत कम स्टूडेंट जो आंसर दे रहे हैं, पुराने स्टूडेंट तो आंसर कम ही दे रहे हैं भाई क्या बात है, अमित जी आंसर दे रहे हैं लेकिन आपने जो वीडियो इस बार पहली बार नहीं ली थी इसको, ठीक है। ओके नंदकिशोर जी बहुत बढ़िया, चलिए आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया, ऑप्शन टू ऑप्शन ए दोनों का आ रहा है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फ्लैजेला, क्या रहेगा भैया, बैक्टीरिया में एक या अधिक कोशिकाएं भी हो सकती हैं, इसका आंसर रहेगा फ्लैजेला, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, बैक्टीरिया आकार में मौजूदा हो सकते हैं, तो आपको बताना है बैक्टीरिया किस आकार में हो सकते हैं, क्वेश्चन कराना है ठीक है, एमसीक्यूज कराना है ठीक है, कोई बात नहीं एमसीक्यूज कराने तो एमसीक्यूज कराएंगे, चलिए आंसर दीजिए। ओके विवेक जी, ओके विवेक जी ऑप्शन 2 वेरी गुड, पांडे ऑप्शन बी, ओके सभी लोग ऑप्शन बी और ए भी आ रहा है, योगेश जी, दिवाकर जी, ओके धनराज प्रजापति ऑनलाइन फीचर में स्वागत है धनराज जी, चलिए आंसर दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ये चार हो रहेंगे, गुड मॉर्निंग दिवाकर जी, बहुत ज़्यादा लेट हो भाई, ठीक है यहाँ पर आएगा 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए स्पाइरल हो सकता है वो छड़ी रॉड का इस्तेमाल, रॉड जैसा रह सकता है, स्पाइरल हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मशरूम खमीर मोल्ड और टॉटस्टूल इसके उदाहरण है, चलिए किस चीज़ के उदाहरण, आंसर देंगे कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, भले इस प्रकार से नहीं आया है, अलग फॉर्मेट था क्वेश्चन का लेकिन एग्जाम में आया। ओके दिवाकर जी ऑप्शन सी वेरी गुड, कुमार विवेक जी ऑप्शन 4, विशाल जी ऑप्शन 3, ओके यहाँ पर अमित जी ऑप्शन 3 बोल रहे हैं, बिल्कुल सही भाई, थर्ड रहेगा ये रहेगा फंगी, बिल्कुल सही अमित जी, बहुत बढ़िया, बहुत सही विशाल जी, बहुत सही विवेक जी, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन, भोजन के अधिकांश जीवाणु अमाशय में जाकर मर जाती हैं, तो ये कैसे मर जाते, कैसे होता है, मतलब किस चीज़ के किस लिए मर जाते हैं बताइए, चलिए आंसर दीजिए। कबक बिल्कुल सही पिछले क्वेश्चन का, अमित जी ऑप्शन 21 बहुत बढ़िया, एससीएल आ रहा भाई, दिवाकर जी, पांडे जी, नंद किशोर जी, विवेक कुमार जी ऑप्शन 1, एससीएल बिल्कुल सही भाई बहुत बढ़िया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बिल्कुल सही है भाई, चलिए धनराज जी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, 1964 में लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में इंदिरा गांधी को कौन सा विभाग दिया गया था, ये हमारा इस क्वेश्चन को बताइएगा, इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर दीजिए, क्वेश्चन के फॉर्मेट चेंज हो गया, आप देखते एकदम से अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसी प्रकार का तो क्या देंगे आप आंसर। अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं भाई। किसी ने थर्ड किया है यहाँ पर, दिवाकर जी ने बहुत बढ़िया, दिवाकर जी एमडी सेगेट बहुत बढ़िया यहाँ पर, ओके दिवाकर जी यहाँ पर रहेगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन, शुक्र के अलावा कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, चलेंगे सभी लोग आंसर बताएंगे भाई क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। शुक्र के अलावा कौन सा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है चलेंगे सभी लोग बताएंगे भाई, इस आपको बताना, इस जो है मतलब इस जो आपको इस सिर्फ इस चार ऑप्शन में से बताना है, ठीक है, और जो आपको अलग से बताया तो वो बता दीजिए, ठीक है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर रहेगा अरुण, क्या रहेगा,
यूरेनस, बिल्कुल सही भाई, थर्ड 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 बिल्कुल लगभग सभी का सही। 100 क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन पढ़ेंगे। किस नेता ने श्रीमद भगवद गीता रहस्य को म्यांमार के जेल जाने के दौरान लिखा? बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन, चलिए आंसर दीजिए। दीपू जी, अरुण, बिल्कुल सही है भाई। ओके सागर जी, नंद जी, ललिता जी, पांडे जी, बिल्कुल सही था पिछले क्वेश्चन का। दिवाकर जी ऑप्शन वन, वेरी गुड। अमित जी वन आ रहा है, बहुत अच्छे। एनी वन? ओके तिलक जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ऑप्शन वन कह रहेगा बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल ऑप्शन। कुमार विवेक जी, सागर जी, ललिता जी, नंद किशोर जी, बहुत सही। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। किस कार्य को अक्सर पांचवें वेद के रूप में जाना जाता है? कौन सा कार्य है जिसको हम पांचवें वेद के रूप में जानते हैं? चलिए आंसर दीजिए। पंच, ओके, पंचतंत्र, नाट्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का बी, दिवाकर जी, बहुत बढ़िया। दीपू जी ऑप्शन ए, दिवाकर जी ऑप्शन बी, दिवाकर जी मैंने पढ़ लिया। ओके यहाँ पर ललिता जी ऑप्शन थर्ड आ रहा है यहाँ पर बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर ओके ऑप्शन बी किसका था? दिवाकर जी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। पांडे जी ऑप्शन टू, ओके योगेश जी ऑप्शन टू, बिल्कुल सही। यहाँ पर नाट्यशास्त्र क्या रहेगा भैया? नाट्यशास्त्र बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सरोजिनी नायडू के बारे में कौन सा कथन सत्य है? चलेंगे सभी लोग बताएंगे क्या रहेगा। सरोजिनी नायडू के बारे में सभी लोग जानते हैं, सरोजिनी नायडू के बारे में आपको एक कथन है, वो आपको सत्य बताना है। कौन सा सही है, एक कौन सा सही है? अगर चारों सही है तो चारों पढ़, तीनों सही है तो तीनों पढ़ लीजिए पहले। सभी से मैं बोलता हूँ, देखिए अब फ्रेंड ऐसा है कि मैं पहले ही बता दूँ कि स्पीड में चलता क्यों नहीं, इसका कारण ये रहता है कि पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए उसके बाद आंसर दीजिए। अब मैं वही बात बोलूँगा, अगर आपने पहले भी इस वीडियो को देखा है तो भी अगर आप इसको क्वेश्चन को एक बार और पढ़ेंगे तो 5-10-15 सेकंड लेंगे, और ये तीनों क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए हो सकता है मे बी याद हो जाए, तो ये अगर एग्जाम में आए तो हम फ्रिक्वेंटली दे सकें। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर वन। जिसने भी डी ऑप्शन करा है, मैंने कल भी बोला था, परसों भी बोला था, इसने भी डी करा था ऑप्शन, उनसे मैंने बोला था भाई कि चार ऑप्शन को आराम से पढ़िए। ऑप्शन ए का वन इज द करेक्ट आंसर। उन्हें स्वर्ण केशर ए हिंद पद जो पदक से सम्मानित किया गया था। चार ऑप्शन गलत हैं, चार व दूसरा तीसरा गलत है, पहला सही है, ऑल ऑफ तो है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके ये क्वेश्चन हमारा लास्ट है फ्रेंड्स। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे ये बताइएगा वीडियो का स्टैंडर्ड कैसा था, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड सिंपल था, कठिन था, या फिर आपके लिए मॉडरेट तो इजी था। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा, ये पामीर ये पठार रहेगा, पामीर का पठार। बहुत अच्छे क्वेश्चन भी हैं अभी इसमें। अगर आप मुझे, अगर आप ये बोलें कि हाँ इस वीडियो को आप पूरा करना चाहें, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स के आंसर तो आ रहे हैं लेकिन आंसर वो मैं यहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट पढ़ते नहीं है। ऑल अब वाले क्वेश्चन इसमें बहुत सारे, ये अभी जो आगे देखेंगे ना इसमें ऑल एफ वाले जो क्वेश्चन बहुत सारे, इसको पूरे ऑप्शन पढ़िएगा, अगर आप पढ़ें तो कंटिन्यू कराऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा, आंसर दीजिए। ओके नंद किशोर जी, 1:30 बजे वाली वीडियो नहीं मिलती है भाई, 1:30 बजे वाली वीडियो आती है यार 1:30 बजे में, 3-4 दिन से जो रेगुलर 1:30 पर स्टार्ट कर देते, थर्ड 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 थर्ड, वेरी वेरी ओके बहुत बढ़िया। ओके विशाल जी थैंक यू। चलिए आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या रहेगा? तिब्बत का पठार रहेगा, ऑप्शन थर्ड, बिल्कुल सही भाई, लगभग सभी का सही, 100% बिल्कुल सही। कोलंबिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते भाई, ठीक है, मे बी हो सकता है किसी को नहीं दिख रहा हो। कोलंबिया स्नेक पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? आंसर दीजिए कमेंट करेंगे भाई। चलिए क्वेश्चन टू आंसर दीजिए, सी आ गया, बहुत बढ़िया दीपू जी। विशाल जी ऑप्शन वन आया, बहुत अच्छे। दिवाकर जी ऑप्शन थर्ड, ओके यूएसए आया। ओके प्रियांशु प्रजापति ऑप्शन टू आया, बहुत बढ़िया प्रियांशु। चलिए आंसर दीजिए, तिब्बत आ रहा भाई मैक्सिमम लोगों का, तो आंसर आएगा यूएसए, बिल्कुल सही है। किसका है? यूएसए, दिवाकर जी बहुत सही, बहुत बढ़िया यूएसए, प्रियांशु बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर, नंद किशोर जी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, दुनिया में किस प्रकार के पठार सबसे ऊंचे पठार कहे जाते हैं? अरे दीपू जी देखिए, हरियाणा जी के, देखिए सुनिए मेरी बात, आज तो मतलब ट्यूसडे है, ठीक है, आज मंगलवार है, हम देखिए बुधवार को, देखिए कल बुधवार है, गुरुवार को जो आपको एक वीडियो आएगी मैं आपको कल रात को बता दूंगा, मतलब कल रात को नहीं आज ही रात को बता दूंगा, उसके लिए ये होगा कि जीके की वीडियो करेंगे हम, ठीक है। और सभी से बोलूंगा भाई, जो भी हरियाणा से है, आप हरियाणा के स्टूडेंट हैं और एमपी के स्टूडेंट, देखिए एमपी और हरियाणा की बात क्यों कर रहा हूँ, एमपी की वीडियो मैं कराने वाला हूँ, क्योंकि एमपी में 50,000 के लगभग लगभग वैकेंसी आने वाली एमपी पुलिस में, ठीक है। ओके चलिए ऑप्शन सी रहेगा बिल्कुल, यहाँ कर ओके यहाँ पर ओके ऑप्शन सी नहीं है भाई, ओके यहाँ पर आएगा ओके ऑप्शन सी नहीं है, कॉन्टिनेंटल यहाँ पर नहीं रहेगा भाई, यहाँ पर रहेगा इंटरमोन्टेन, ये ऑप्शन वन है दीपू जी, बहुत सही बहुत सही। ओके अमित जी ऑप्शन वन, ठीक है मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, ठीक है बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के पठारों को अनाच्छादन का पठार भी कहा जाता है? अगर किसी को इंग्लिश हिंदी में दिक्कत आ रही है तो इंग्लिश में पढ़ ले प्लीज़, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को बहुत स्पीड से करेंगे, ठीक है।
दर्रे और ओके नदी और ओके ओके नदी और दर्रे बिल्कुल कराएंगे भाई, बिल्कुल कराएंगे नंद किशोर जी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अमित जी ऑप्शन सर, विशाल जी ऑप्शन फोर, एमडी जी ऑप्शन थर्ड। ओके सपन जी वन, बिल्कुल ऑप्शन रहेगा यहाँ पर थर्ड, बिल्कुल सही है बहुत। सपन पांडे जी बिल्कुल सही कह रहेगा पाई डमंट, बिल्कुल सही बहुत बढ़िया, लगभग 95% लगभग बोलूंगा यहाँ पर सही है, लेकिन दो लोगों का गलत आ रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। किस प्रकार के पठारों को संचित पठार के रूप में कहा जाता है? फ्रेंड इस वीडियो को थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं भाई, क्योंकि देखिए इसको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो आंसर कमेंट करिए। इसको आपको स्पीड में करना है, मात्र 5 से 7 सेकंड ओनली, मैं जब तक पढ़ रहा हूँ आपका आंसर आना चाहिए आपका। नंद जी ऑप्शन बी, वेरी गुड। दीपू जी ऑप्शन बी आ रहा था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जी ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। ओके सभी का ऑप्शन बी और वन आ रहा है। यहाँ पर रहेगा दिवाकर जी, यहाँ पर टू नहीं टू रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा महाद्वीप, क्या रहेगा कॉन्टिनेंटल रहेगा, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र का पठार किसे कहा जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में कईयों बार आया है, बहुत बार धरे। ओके प्रजापति जी बिल्कुल सही, ऑप्शन टू था। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए दीपू जी ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। एनी वन को आंसर कमेंट करेगा, चलिए आंसर दीजिए। ओके प्रियांशु जी ऑप्शन टू, ओके अमित जी ऑप्शन फोर, ओके नंद जी ऑप्शन डी, यहाँ पर सैकड़ी ऑप्शन फोर, यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर टू महाद्वीप, ये भी कॉन्टिनेंटल रहेगा, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या रहेगा ओजार्क का पठार, क्या ओजार्क का पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे भाई क्या आएगा आंसर। ओजार्क का पठार किस प्रकार का पठार का उदाहरण है? आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे। ओके प्रियांशु जी ऑप्शन थर्ड, बिल्कुल दिवाकर जी ऑप्शन ए, अमित जी ऑप्शन ए, सभी लोगों का ऑप्शन ए और सी आ रहा है। यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी गुंबदाकार, क्या रहेगा गुंबदाकार रहेगा भैया, थर्ड डी नहीं रहेगा। दीपू जी अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा पठार दो पर्वत श्रेणियाँ यानी कि पश्चिम घाट और पूर्वी घाट के बीच में स्थित है? फ्रेंड्स क्वेश्चन आराम से पढ़िए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, जब हम ही अभी हम आंसर दे रहे थे क्वेश्चन में से, लेकिन आपको बताना है इसमें पश्चिमी और पूर्वी घाट के बीच में कौन सा पर्वत श्रेणी ये पठार है वो आता है, दो पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। चलिए आंसर दीजिए, थर्ड आ रहा है ऑप्शन नंबर जी ऑप्शन सी, प्रियांशु जी थर्ड, अमित जी ऑप्शन थर्ड, सेकर जी ऑप्शन थर्ड, यहाँ पर एक ऑप्शन थर्ड, ये रहेगा दक्कन का पठार, डेक्कन बोलेंगे इसको हिंदी में, वैसे इंग्लिश में दक्कन होता है हिंदी में। चलिए अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार का उदाहरण है? ये एग्जाम में आया हुआ है, चलिए आंसर दिए। ओके यहाँ पर ओके धनराज जी बिल्कुल सही था, थर्ड बार थर्ड ऑप्शन था। ओके दीपू जी ऑप्शन ए, विशाल जी ऑप्शन थर्ड, वेरी गुड धनराज जी बिल्कुल। ओके दीपू जी ऑप्शन आगे, दिवाकर जी ऑप्शन वन, वेरी गुड, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर प्रियांशु जी बिल्कुल सही। ओके किसी ने भी किया है यहाँ पर, ओके ओके प्रियांशु जी ने करा है, नंद किशोर जी ने करा है, पांडे जी ने किया, ठीक है। अब ऑप्शन बी यहाँ पर महाद्वीप पे कॉन्टिनेंटल है। अगला क्वेश्चन, किस पठार को भारत की खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में 2015-2016 में एग्जाम में कई बार आया है, अगर बात करें एसएससी की बात करें तो आया एसएससी में, अगर पीसीएस लेवल यानी स्टेट लेवल की बात करें तो उसमें भी आया है, तो आंसर दीजिए कमेंट करेंगे भाई। ओके ऑप्शन आ रहा है प्रियांशु जी ऑप्शन सी, जाकिर खान जी, नंद किशोर जी बिल्कुल, दीपू जी ऑप्शन रहेगा वन, यहाँ पर पांडे जी ऑप्शन रहेगा वन, प्रियांशु जी वेरी गुड, यहाँ पर अमित जी आंसर बिल्कुल सही, कह रहेगा भैया छोटा नागपुर का पठार, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पठारों में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पठार है? हाइएस्ट पठार आंसर देना है, कमेंट करना है। चलिए आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर आंसर दीजिएगा। दीपू जी ऑप्शन वन, नंद किशोर ऑप्शन वन, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट, विशाल जी ऑप्शन थर्ड, ओके कुमार विवेक जी ऑप्शन वन, दिवाकर जी बी, सागर जी और प्रियांश जी ऑप्शन टू, यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल बी ऑप्शन रहेगा, दिवाकर जी बिल्कुल सही है बहुत बढ़िया, यहाँ पर ओके प्रियांश जी बहुत बढ़िया, नंद किशोर जी बिल्कुल सही है, पांडे जी अमित जी और अमन जी बहुत बढ़िया, यहाँ पर रहेगा लद्दाख का पठार सबसे हाइएस्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है? हाइएस्ट की बात नहीं हो रही, बड़ा है, लार्ज है। चलिए ऑप्शन दीपू जी बी, अगला क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 14 है, आंसर दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, मात्र 14 स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं, तो फ्रेंड उन सभी से बोलूंगा, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं कीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। दीपू जी ऑप्शन लद्दाख, वेरी गुड, यहाँ पर आंसर आ रहा भैया। ओके पिछले क्वेश्चन का लद्दाख का भाई, दीपू जी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड, दक्कन का पठार, कह रहेगा ये बड़ा है, वो हाइएस्ट था, ये कैसा है बड़ा है, मतलब एरिया ज्यादा गिरता है, ठीक है। ये रहेगा दक्कन का पठार। अगला क्वेश्चन, मालवा पठार किस प्रकार का पठार का उदाहरण है? मालवा पठार किस पठार का उदाहरण है, किस प्रकार का पठार, आंसर देना है। इंटर इंटरमोन्टल है, कॉन्टिनेंटल है, पाइडमंट है, या विच्छेदी है? चलेंगे आंसर देंगे, डिस्केटेड है। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए। ऑप्शन साकिर जी, ओके नंद किशोर जी ऑप्शन बी, अमन जी ऑप्शन बी, वेरी गुड। ओके पांडे, ओके सबसे पहले अमित जी ने कर ही दिया, बहुत बढ़िया अमित जी, और पांडे जी ऑप्शन वन कर रहे हैं, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा भाई, ये रहेगा पाई डिमंट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, प्रियांश यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके चलिए, हमारे द्वीपों के और जो पठार थे वो हमने कंप्लीट कर लिए।
फ्रेंड्स, अगर आप मुझे बताएंगे भाई कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। 1:30 बजे वाली वीडियो आएगी, इसमें जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर क्वेश्चन करेंगे, दोनों मिक्स रह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए मैं ये बोलूँगा आपसे कि भाई अगर आप क्वेश्चन पढ़ना चाह रहे हैं तो उन क्वेश्चन, देखिए जो भी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन है, अगर आपको जो भी इजी वाले क्वेश्चन जो आपके बुक में दिए होंगे, ठीक है, जो लूसेंट आपके पास है, बहुत सिंपल सी बुक है, अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो फ्रेंड लूसेंट कर लीजिए। अगर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, आपने लूसेंट खत्म कर लिया, तो एनसीईआरटी की एक बुक ले आइए, ठीक है, 6th, 7th, 8th, मात 8 तक की, आरबी निकालना हमें, ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड नहीं निकालना, 8वीं तक की लाइएगा। अगर आपको थोड़ा और पढ़ना है तो 10वीं तक की ला सकते हैं, लेकिन उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो हो जाएगा वो टफ हो जाएगा, ठीक है, साइंस भूगोल भूगोल और जो भी बुक्स हैं उनको लेके आइएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।